हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल लक्ष्य एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट। इस वीडियो में हम लोग इस हफ्ते के टॉप 10 करंट अफेयर्स जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो थॉट ऑफ द डे के साथ। थॉट ऑफ द डे है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डिड। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, मतलब कुछ पाने के लिए आपको कुछ यूनिक करना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं वर्ड ऑफ द डे जो कि है मिनेसिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? डरावना। तो अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द वीडियो का आंसर। विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय NCRB। तो NCRB का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू UAE? पवन कपूर, नवदीप सिंह, सूरी, अमन सिंह या प्रदीप भास्कर? इसका करेक्ट आंसर होगा पवन कपूर। आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज डिसाइडेड टू बैन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप? इसका करेक्ट आंसर होगा ट्विटर। तो हम लोग देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन जो कि है, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 31st? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जाकिर हुसैन? इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनिटी डे। तो हम लोग देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। टीम इंडिया विल प्ले फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच ऑन विच ग्राउंड? वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम या सवाई मानसिंह स्टेडियम? तो टीम इंडिया अपना पहला डे नाइट मैच खेलने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ, तो कौन से स्टेडियम में? ईडन गार्डन स्टेडियम में। तो हम लोग देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मैराइन लिटर? फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील या थाईलैंड? इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। हम लोग देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेटेड? 1st November, 2nd November, 3rd November या 4th November? इसका करेक्ट आंसर होगा 1st November। देखते हैं आज का सातवां क्वेश्चन। द ICC हैज इम्पोज्ड अ 2-year बैन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर? स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, सकिब अल हसन या विराट कोहली? तो ICC ने सकिब अल हसन पर बैन लगाया है। वाई? बिकॉज सकिब अल हसन हैज फेल्ड टू रिपोर्ट अबाउट करप्ट अप्रोचेज। तो हम लोग देखते हैं आज का आठवां क्वेश्चन। विच सिटी विल होस्ट द 2nd असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? पेरिस, न्यू दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। हम लोग देखते हैं आज का नौवां क्वेश्चन। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइंड हाउ मेनी एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू सऊदी अरेबिया? 12, 15, 16, 17? इसका करेक्ट आंसर होगा 12। हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन। रिसेंटली शिवा थप्पा वॉन अ गोल्ड मेडल इन टोक्यो जापान? ही इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, शूटिंग, रेसलिंग या बैडमिंटन? तो शिवा थप्पा ने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो में जापान में, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉक्सिंग। तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो जो कि है, विच इंडियन स्टेट वॉज द होस्ट फॉर इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मागार्जन? तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था इंडिया जापान के बीच धर्मागार्जन, उसका होस्ट कौन था? कौन सा स्टेट? नागालैंड, असम, उत्तराखंड या मिजोरम? इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो में इसका आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं #, बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे। हु विल बी द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? शरद अरविंद बॉबडे, तो शरद SA बॉबडे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही विल टेक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 18th November एंड ही विल होल्ड ऑफिस टिल April 23, 2021। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। Thank you for watching this.